हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लगातार हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर करके और वैक्स करवा के अगर आपकी स्किन हो गई है डार्क और बहुत ही ज़्यादा हार्ड, तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पैक, जिसके लगातार इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है, जो बालों की जो ग्रोथ है, वो धीमे धीमे कम होकर बिल्कुल बाल आना बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन होगी सॉफ्ट और शाइनी। और सिर्फ 10-15 मिनट से लगते हैं इस पैक को। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा हेयर रिमूवल पैक, जिसे आप इस्तेमाल करोगे हफ्ते में 2 बार, तो ये मैं बिल्कुल पक्का बोल रही हूँ कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है, पहले तो पहली बार यूज करोगे तो इससे काफ़ी हद तक बाल हट जाएंगे। धीमे धीमे अगर लगातार यूज करते हो 1-2 महीने तक, तो आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, धीमे धीमे करके बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं ये सारी आपके किचन में ही उपलब्ध हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको लेना है गेहूँ का आटा, हाँ जी, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही गेहूँ का आटा लेना है हमें, 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा है जो हमारी रेड स्किन को हटाता है और स्किन को टाइट करता है। वो लगातार हम वैक्स करवाते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं, तो उससे हमारी स्किन भी ढीली पड़ जाती है, लटक जाती है। तो इसके लिए हमने गेहूं का आटा लिया है। और गेहूं के आटे के बाद अब हम इसमें लेंगे, आपको इनो यूज करना है। इसको आप बॉडी के जैसे अंडर आर्म्स पर है या हाथ हैं, पैर हैं, जिस भी पैक में अगर जिस क्रीम में अगर इनो डालते हो, या तो आप इनो ले सकते हो, या आप खाने वाला जो मीठा सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है मीठा, जिनसे बिस्किट में, केक वगैरह में डालते हैं, आप वो भी ले सकते हो। ये आपको 1-1 चम्मच लेना है। तो इसे फेस पर यूज ना करें, क्योंकि फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, उनके मुकाबले अगर पैर और हाथों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है। इसलिए हाथ, पैर, अंडर आर्म्स में आप यूज कर सकते हैं इस पैक को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए लेना है आपको 2 चम्मच आपको गेहूं का आटा लेना है। और इसके बाद इसमें लेना है आपको 1 चम्मच बेसन, ये दोनों से मिक्स करके भी ले सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं वो लेके आई हूँ अपने फेस पैक में, जो आपकी सारी चीज़ें आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगी, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना अच्छा फेस पैक, इतना अच्छा हेयर रिमूवल पैक तैयार होगा क्या। और इसके बाद आपको डालना है हल्दी, इसके बाद डालनी है आपको हल्दी 1/2 चम्मच। अब हल्दी में क्या होता है, हल्दी में मेडिसिन होती है, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, और पुराने टाइम से ही हल्दी को रंग निखारने के लिए यूज किया जाता है। इससे अगर जैसे आपकी कहीं भी सनबर्न है, सन टैन है, या फिर आपकी जो डार्क हो गई है स्किन हेयर रिमूवल पैक यूज करके या फिर वैक्स करवा करवा के, तो उसमें भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। इससे रंग निखरता है, दाग धब्बे दूर होते हैं, सन टैन सनबर्न की प्रॉब्लम दूर होती है, और रंग है एकदम से खिल उठेगा हल्दी को यूज करने के बाद। अब हमने इसमें लिया है 2 चम्मच आटा, 1 चम्मच बेसन और 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी से कलर एकदम से निखर के आएगा। और आप और इसके बाद हम इसमें लेंगे इनो पाउडर, आप खाने वाला सोडा भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लो, एक चीज़ लेनी है आपको, या तो आप मीठा सोडा लो और या फिर लो आप इनो, हमें 1 चम्मच लेना है। और जब जिस पैक में इनो या मीठा सोडा डलता है, उसे आपको हेयर रिमूवल पैक जो होता है बाल हटाने के लिए, उसे आपको फेस पे यूज नहीं करना है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। हमने लिया 1 चम्मच, इनको कर लिया, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी ही चीज़ें आपके किचन में उपलब्ध हैं, घर से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा हेयर रिमूवल पैक आपको तैयार होगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब इसके सबसे लास्ट में डालेंगे हम नींबू, इसके बाद लेंगे हम नींबू का जूस। अगर बड़ा नींबू है तो 1/2 नींबू बहुत है, अगर छोटा है नींबू तो 1 नींबू का जूस लेना है आपको। नींबू में क्या होता है, नींबू में होता है विटामिन सी, जो कि नेचुरल ब्लीच का काम करता है, और ये इससे रंगत हमारी निखरती है नींबू से, और कोई भी केमिकल नहीं है हमारी किसी भी चीज़ में, कोई भी केमिकल नहीं है। बेसन, आटा, हल्दी, इनो 1 चम्मच, और उसके बाद डालते हैं सबसे लास्ट में हम नींबू डाल देंगे इसमें, और अब सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जैसे ही इसमें नींबू डलता है तो बनते हैं झाग, क्योंकि इसमें इनो है, इनो और नींबू के मिलते ही साथ के साथ रिएक्ट करते हैं ये। तो आपको इस पैक को लगा के बना के छोड़ना नहीं है, इसे तुरंत के तुरंत ही आपको यूज करना है, जिससे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और ये रखते नहीं, इसको इनो डला हुआ है इसमें, तो इसको करना है। मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, आप इसे कहाँ जहाँ भी आपको हेयर हटाने हैं, जहाँ से, चाहे वो हाथ हैं, पैर हैं, अंडर आर्म्स हैं, जहाँ से भी, देखो हमारा बन चुका है पैक, ऐसी तैयार होगी।
हो गए। अब मैं आपको हाथ में लगा के दिखाती हूँ, आप जहाँ आपके हेयर हैं, जहाँ आपके बाल आपको हटाने हैं, आपको इस तरीके से लगाना है इसको। जैसे ये लगाना है आपको हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में से मालिश करके अच्छे से लगाना है, और इसको लगा करके छोड़ देना है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करनी है मालिश करके, फिर आपको उसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये पैक क्या काम करता है, इसको मेरे 3 मिनट हो चुके हैं लगाए हुए, और धीमे धीमे आपको रब करना है। ये क्या काम करता है कि जो ये जड़ों तक पहुंच के जड़ों बालों की जड़ों को करता है कमज़ोर, और फिर ऐसे थोड़ा हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हैं तो वो जड़ें कमज़ोर होकर बाल सारे टूट जाते हैं। बहुत मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, आपको 4 से 5 मिनट तक ये लगाना है। देखो इससे रंगत भी निखरती है, गोरी होती है। देखो मैंने अभी 3 मिनट ही लगाया है, आपको दिख रहा है कितनी प्यारी स्किन हो गई है, और ये निकल ऐसे लगातार आपको यूज करना है तकरीबन 3-4 हफ्ते तक, हफ्ते में 2 बार, तो आपको रिजल्ट खुद नज़र आएगा। हेयर है सारे टूट जाएंगे और धीमे धीमे करके बिल्कुल हट जाएंगे। लगातार करोगे तो रंग भी साफ़ होगा, और जो स्किन आपकी डल हो चुकी है, जो ब्लैक हो चुकी है हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर करके वैक्स करवा करवा के, वो भी एकदम से अच्छी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।